अस्सलाम वालेकुम एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब लोग? आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे से होंगे और मेरी दिल से दुआ है आप लोग जहाँ भी हों खुश हों, अपने घरों में आबाद हों। तो जनाब यहाँ पे सुबह का टाइम है, 12 बज चुके हैं। मैंने सोचा क्यों ना पार्क जाऊँ, इसी बहाने वॉक हो जाएगी। तो मैं बच्चों को स्कूल ड्रॉप करने के बाद घर गई, मैंने नाश्ता किया, फिर बेटी को रेडी करने के बाद मैं इस पार्क आ गई। तो ये जो पार्क है ये मेरे घर से 15-20 मिनट की ड्राइव पे है। मैं आ चुकी हूँ पहले यहाँ पे, लेकिन ये जो पार्ट है ये मैंने नहीं देखा। तो बस मैं यहाँ पे वॉक कर रही थी और साथ साथ मैंने ये वीडियो भी बना ली थी, तो मैंने भी ये पार्ट नहीं देखा। तो चलिए मिलके देखते हैं। अच्छा, यहाँ पे ना मैं वॉक करते हुए सोच रही थी कि ये जो जगह है ना ये वॉक के लिए बेस्ट है। यहाँ पे ज़्यादा लोग भी नहीं हैं और आप सुकून से अपनी वॉक कर सकते हो, क्योंकि मुझे ना वॉक के लिए ऐसी ही जगह पसंद है। लेकिन अब ये मेरे घर से इतना भी पास नहीं था कि मैं रोज़ जा सकती वॉक के लिए। चलो खैर, लेकिन जगह अच्छी है। है ना मज़े की जगह? मुझे तो बहुत अच्छा लगा यहाँ आके, मैं एकदम से फ्रेश हो गई थी। आप लोगों को देख के पता नहीं कैसा लग रहा है, लेकिन मुझे बड़ा मज़ा आया। अच्छा, एक और भी बात हुई इस पार्क में। जब मैं आई मुझे पार्किंग नहीं मिल रही थी, मैंने वेट किया थोड़ा, मुझे पार्किंग मिल गई। फिर उसके बाद मैं पे करके अंदर गई और मैंने तकरीबन 1 घंटा वॉक की होगी। और फिर मैं डिफरेंट जगह पे भी गई, मैं बच्चों के प्लेइंग एरिया गई, इन्होंने एक गार्डन बनाया हुआ था वहाँ पे गई। और जब मैं वापस आ रही थी तो मुझे एक मैसेज मिला बैंक की तरफ से। तो जब मैंने बैंक का नाम देखा तो मेरा जो ध्यान है वो अपने बैंक कार्ड की तरफ गया। जब मैंने वो देखा वो तो था ही नहीं, और मैं एकदम से परेशान हुई कि इतना बड़ा पार्क है, मैं कहाँ ढूंढूं अपना कार्ड जो कि मैं कहीं गिरा चुकी थी। अच्छा, उसके बाद एकदम से मुझे ख्याल आया क्यों ना मैं बैंक को कॉल करके अपना कार्ड जो है वो ब्लॉक करवा दूँ। तो फिर यही करने वाली थी, लेकिन फिर मैंने सोचा क्यों ना एक दफ़ा गाड़ी में चेक कर लूँ, तो हो सकता है मैंने वहाँ रख दिया हो। नॉर्मली मैं रखती नहीं हूँ, लेकिन फिर भी मैंने सोचा कि एक दफ़ा चेक कर लेना ठीक है। जब मैं वापस आई मैंने देखा वहाँ पे कार्ड नहीं था, तो मैंने डिसाइड किया बैंक को कॉल करूँ और कार्ड को ब्लॉक करवा दूँ। और जब मैंने बैंक को कॉल किया तो पता है क्या हुआ, उन्होंने मुझे कहा कि आपका कार्ड जो है वो ऑलरेडी ब्लॉक हो चुका है, किसी ने कॉल कर दी थी और ब्लॉक करवा दिया था। मैं बड़ी हैरान हुई। उन्होंने फिर मुझे बताया कि जिस भी बंदे या बंदी को कार्ड मिला था ना, उसने डिटेल देख के और नाम देख के और बैंक का ऊपर नाम था, उन्होंने बंद करवा दिया था मेरा कार्ड। अच्छा, मैं इतनी हैरान हुई और खुश भी हुई कि जहाँ इतने बुरे बुरे लोग हैं वहाँ अच्छे लोग भी हैं। बस अल्लाह से दुआ है कि ऐसे अच्छे लोगों को अपने हिफ्ज़ो ईमान में रखे, उनको ढेरों खुशियाँ दे। आमीन सुमा आमीन। और फिर इसके बाद मैं यहाँ आ गई। ये बच्चों का सैंड एंड वाटर प्ले एरिया है और यहाँ समर में बहुत ज़्यादा बिजी होता है ये एरिया। अभी तो विंटर की वजह से कोई भी नहीं है यहाँ पे। और ये किसी बच्चे ने बड़ा ही अच्छा मैसेज दिया है तो जो भी कोई ऐसा करता है उसको चाहिए कि इसको पढ़ के इस पे अमल भी करें। और इसके बाद बस ये मैं थोड़ा अंदर आई थी देखने के लिए, तो बड़ा ही सुनसान पड़ा हुआ था। और यही जगह जब समर में जाओ तो बहुत ही बिज़ी होती है ये। और इसके बाद मैं यहाँ से निकली। बस इन्होंने यहाँ पे साथ ही एक छोटा सा गार्डन बनाया हुआ है, मैंने सोचा उसका भी विज़िट कर लूँ, तो बस मैं फिर उस तरफ आ गई थी। तो यहाँ पे मैंने इस पूरे गार्डन का एक बड़ा सा राउंड लिया और ये बड़ी अच्छी जगह लगी ये भी मुझे। मेरा दिल कर रहा था मैं थोड़ी देर यहाँ पे स्टे करूँ, लेकिन फिर मुझे जो है इतना टाइम नहीं था मेरे पास, और फिर मुझे आगे भी जाना था, मेरी बेटी को लेके प्लेइंग एरिया जाना था, तो इसलिए फिर मैंने इतना ज़्यादा स्टे नहीं किया यहाँ पे। लेकिन मुझे ये जगह भी काफ़ी अच्छी लगी।